अगर आज देखें तो मुसलमानों की हालत सबसे बुरी है इस मुल्क में। एजुकेशन की बात करें, फाइनेंशियल की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, किसी शोबे में आप बात करें, सिवाय एक दो सूबों को छोड़कर जिसमें केरला और तमिलनाडु शामिल है, उन सूबों को छोड़कर कहीं पर भी कोई मुसलमानों के हालात यूपी, बिहार, बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान आप नजर उठा के देख। बात यह है दरअसल कि ये बहुत सारे जो एजेंडे हैं, जो कहीं नहीं, हम यहाँ पावर में थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री हमारे पास थी, हमने उसका फायदा उठाया अपनी कौम के लिए भी, दूसरी कौमों के लिए। ये होते हैं पॉलिटिकल फैसले। जो ये 2800 पॉलिटिकल पार्टीज जो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उसमें से ज्यादातर यही क्लेम करती हैं कि हम मुसलमानों के साथी हैं, हम मुसलमानों के हक में काम करते हैं, हम माइनॉरिटीज के हक में काम करते हैं। ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, द हिस्ट्री हैज सीन इन इट्स आईज दैट लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी, जो फैसले पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, जो फैसले होते हैं जो पार्टीज पावर में होती हैं, अगर वो फैसले गलत हों, अगर उन फैसलों में कमियां हों, तो एक हिस्ट्री बन जाती है गलतियों की तारीख में, कौमों की हस्तियों में, कौमों की जिंदगियों में। आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ, अस्सलामुअलैकुम। कुछ ऐसा लगता है कि सब लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ टीडियस था, थक गए, जोश की कमी है, तो एक बार जोर से एक नारा हो जाए, नारा तकबीर, और जोर से थोड़ा सा नारा तकबीर। हम आए यहाँ, इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं चेन्नई में, तो हम कम से कम थोड़ा सा चेन्नई को हिला तो दें एक बार, आखिरी बार नारा तकबीर, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बात करें आज के इस फर्स्ट टॉपिक, सेकंड सेशन डेलीगेट सेशन की, तो रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात है इस वक्त, क्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स हमारे लीडर मरहूम कायदे मिल्लत ने हमें समझा दिया है और बहुत वाज़े तौर पर समझाया है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसी होनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है, जैसा हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी साहब ने फरमाया अपनी तकरीर में कि कायदे मिल्लत से लेकर आज तक हमारे मोहतरम प्रोफेसर कादर मोहिद्दीन साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कभी भी जो कायदे मिल्लत ने समझाया, सारे प्रेसिडेंट्स ने, सारे लीडर्स ने, जनरल सेक्रेटरीज ने कभी भी उस जो राह दिखाई थी, जो मशाल जलाई थी, उस मशाल को उसी तरह रख पकड़े हैं, उस राह पर उसी तरह चल रहे हैं आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, और इसीलिए शायद हम यहाँ आज 75 साल के बाद फिर खड़े हैं। और ऐसा सियासी, बहुत सारी सियासी जमातें हैं मगर सबको ये प्रिविलेज हासिल नहीं होता, कुछ चंदे की हैं जो इतने सालों जिंदा रहती हैं। कुछ बात कर, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, द हिस्ट्री हैज सीन इन इट्स आईज दैट लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी, जो फैसले पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, जो फैसले होते हैं जो पार्टीज पावर में होती हैं, अगर वो फैसले गलत हों, अगर उन फैसलों में कमियां हों, तो एक हिस्ट्री बन जाती है गलतियों की तारीख में, कौमों की हस्तियों में, कौमों की जिंदगियों में। हम यहाँ पर आज की बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्शंस या डिसीजंस जो ख़ास तौर से पावर में होती हैं, उनके डिसीजंस अगर सही हैं तो आने वाले 100 साल तक उसका बेनिफिट होता है, अगर उनके डिसीजंस गलत हैं तो आने वाले 200 साल तक लोग उसके लिए परेशान होते हैं, और उससे वो उनको सही जिंदगी, सही मौका नहीं देती अपने मुल्क को, और मुल्कों की तारीख ख़राब हो जाती है। तो ये बात ख़ास तौर से इसलिए कि रोल पॉलिटिकल पार्टीज क्या करें, अपना क्या रखें, इस पर बहुत गौर व खास होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजिकल भी हो सकती हैं,
पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी हो सकती हैं कि जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर जोश में आती हैं और किसी से भी अलायंस करके पावर में आने की कोशिश करती हैं, पावर में आने की कोशिश करती हैं। ये हर दौर में होता है। आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन में 2500 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर हैं, ढाई बल्कि 2800 से ज़्यादा, 2800 मोर देन 2800 पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टुडे। और आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं, हम क्योंकि माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादातर पिछड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं बहैसियत इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, तो वी फील कि जो ये 2800 पॉलिटिकल पार्टीज जो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उसमें से ज़्यादातर यही क्लेम करती हैं कि हम मुसलमानों के साथी हैं, हम मुसलमानों के हक़ में काम करते हैं, हम माइनॉरिटीज़ के हक़ में काम करते हैं। मगर आप अगर आज देखें तो मुसलमानों की हालत सबसे बुरी है इस मुल्क में। एजुकेशन की बात करें, फाइनेंशियल की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, किसी शोबे में आप बात करें, सिवाय एक दो सूबों को छोड़कर जिसमें केरला और तमिलनाडु शामिल है, उन सूबों को छोड़कर कहीं पर भी कोई मुसलमानों के हालात यूपी, बिहार, बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान आप नज़र उठा के देख। बात यह है दरअसल कि ये बहुत सारे जो एजेंडे हैं जो कहीं नहीं, हम यहाँ पावर में थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री हमारे पास थी, हमने उसका फ़ायदा उठाया अपनी कौम के लिए भी दूसरी कौमों के लिए। ये होते हैं पॉलिटिकल फैसले, ये होते हैं रोल जो पॉलिटिकल पार्टीज को लेने चाहिए, जो हमने लिए अल्लाह का शुक्र है। इसीलिए सब ने ये बात कही। बनातवाला साहब कहते थे कि मुस्लिम लीग के लीडर का दामन निचोड़ो तो वजू कर लो, ये अल्फाज थे बनातवाला साहब के। हमारे लीडर्स ने जो भी रहे हैं, कभी आज तक किसी का रोल ये नहीं रहा हो कि किसी दूसरे के बारे में, किसी दूसरे मजहब के बारे में, किसी दूसरे लीडर के बारे में कोई गलत बात, कोई बद तहजीबी वाली बात कही हो। ये मुस्लिम लीग के लीडर्स की एक बड़ी फख्रिया निशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने ऐसा किया। कायदे मिल्लत से लेके आज तक हम यही देखते आए हैं, अल्लाह का शुक्र है। वक्त की मुझे तंबीह मिल गई है कि मेरा वक्त ख़त्म हो गया है, तो मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह फिर बैठेंगे, और जैसा कि बात हुई कि दिल्ली के अंदर एक बड़ा कन्वेंशन इंशाल्लाह होगा और उससे पहले बहुत सारे स्टेट्स में होगा, तो वहाँ पर बैठेंगे और आप सबको बहैसियत दिल्ली से होने के नाते मैं खुश आमदेद करता हूँ कि दिल्ली तशरीफ़ लाइएगा। एक साल 6-8 महीने के बाद इंशाल्लाह दिल्ली में मिलेंगे दोबारा। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लीडर्स का जो यहां बैठे हैं, जो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स मुस्लिम लीग की यहां बैठी है अल्हम्दुलिल्लाह, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।